महाराष्ट्र के आराध्य देव भगवान गणेश के आगमन पर अभी लगभग एक महीने का समय है, पर भगवान गणेश के आगमन की तैयारी की शुरुआत नागरिक कर चुके हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए नवी मुंबई पुलिस भी अपनी तैयारी में जुट गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस किस तरह की तैयारी में जुटी होगी, तो जनाब आपको बता दें कि पुलिस का काम सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं है, उससे भी कहीं ज्यादा जनता को अनैतिक तत्वों के मंसूबों से बचाना है, ताकि जनता की मेहनत का पैसा कोई चुरा कर ले ना जा सके। आपको भी पता होगा कि त्योहार के मौके पर जेब कतरा चोर मौके की तलाश में होते हैं कि जैसे ही मौका मिले आपकी कीमती सामान लेकर देखते देखते गायब, और जनता इन परिस्थितियों से न जूझे और पूरे परिवार के साथ बप्पा के आगमन की तैयारी कर सके, यही सोच पनवेल शहर पुलिस ने बारी बारी से दुकानदार और स्वर्णकारों की एक मीटिंग का आयोजन किए, ताकि दुकानदारों को भी सतर्क किया जा सके। उन्हें भी खास सलाह दी गई कि किसी भी कर्मचारी का नाम, पता, फोटो, फोन नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड अपने पास रखे, ताकि कभी आस्तीन का सांप भी उन्हें दिखाकर जाता है और फिर वह मैदान छोड़कर अफू चक्कर हो जाता है। अगर इस तरह की दिक्कत किसी दुकानदार को हुई तो फरार व्यक्ति तक समय रहते पुलिस पहुंच सकती है। और भी कई सलाह दिए गए ताकि जनता को कोई नुकसान पहुंचाने वाला हो तो क्या करना होगा। वैसे आपको बता दें कि पनवेल शहर पुलिस थाने के बार बार अपील का नतीजा भी बेहतर दिखाई देने लगा है। ज्यादातर लोग अपने दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा चुके हैं, और यही वजह है कि अनैतिक तत्व किसी वारदात को अंजाम देने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे। यह नजारा पनवेल शहर पुलिस थाने का है, और यह जो भीड़ नजर आ रही है यह सभी स्वर्णकार है। जाहिर सी बात है कि आज सोना काफी महंगा है और चोर के लिए अनमोल रतन सोना ही बन गया है, पर पुलिस चोर के पीछे तू डाल डाल तो मैं पात पात की भूमिका में है। यानी कहना यह गलत नहीं होगा कि पुलिस चाक चौबंद कर रही है अपने आप को, अपने सिस्टम को, वहीं जनता को और दुकानदार को सतर्क कर रहे हैं। इस मीटिंग के खात्मे पर हमने दुकानदारों से बात किए, सुने उनका क्या कहना था। आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से पुलिस विभाग के आला अधिकारी ने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया था और कुछ सुझाव दिए हैं, तो उनके सुझाव से आप कितने संतुष्ट हो और किस तरह के सुझाव दिए गए आप लोग, आप सभी को? सुरक्षा का सुझाव उन्होंने दिया है और एकदम बराबर है, और वो हम लोग फॉलो करना चाहिए। खाली हम नहीं, जो हमारे पास जो कस्टमर आते हैं उनको बताना चाहिए कि बाहर आपका जो सामान है वो जो रखते टाइम अपने थैले में अंदर रखो, बाहर ही आजकल बहुत ही घटनाएं होती है। हमने पुलिस स्टेशन की तरफ से हमको बता दिया है, और ये आपकी जो जो कुछ भी सामान है वो सामान ले आपकी भी जिम्मेदारी है, तो सावधान रहे। तो आपको लगता है कि उनके सुझाव का जनता को फायदा होगा, और जिस तरह से जो बैग जो काट के जो जेवरात निकाल लिया करते थे, हाँ, उनके मंसूबे जो है फेल हो जाएंगे, क्या लगता है आपको? बहुत बहुत अच्छा ये सुझाव है, बहुत अच्छा, और बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि सामने से बता दे रहे हैं आगे का जो कुछ ये होने वाला, धोखा होने वाला पहले मालूम पड़ता है, तो सुझाव हो जाएगा, अच्छा सुझाव। वहीं हमने पनवेल शहर पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विजय कादमाने से इसी विषय पर जब उनसे बात करनी चाहिए, तब उनका कहना था कि हम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे निभाने का प्रयास है। इसमें ऑन कैमरा कहने जैसी कोई बात नहीं है। हकीकत में आज के तारीख में पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाने लग जाए तो मुझे लगता है समाज के में अनैतिक तत्व के हौसले पस्त हो जाएंगे। समाज सेवा का जज्बा बेहद जरूरी है, और खाकी पहनकर विजय कादमा ने उसे बेहतर ढंग से निभाने का प्रयास कर रहे हैं, जो काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, अगर मेरी खबर आपको बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम फिर इसी तरह की कोई नई खबर लेकर जल्द हाजिर होंगे।